नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंडला जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। मंडला नगर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर भैंसवाही गांव में गौवंश की तस्करी एवं कत्ल कर व्यापार किए जाने की मंडला पुलिस को सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर मंडला पुलिस अधीक्षक और नैनपुर SDOP द्वारा गांव में दबिश दी गई। गांव में कई मकानों में हजारों की संख्या में गौवंश और उसके अवशेष सड़ी गली अवस्था में बरामद किए गए। कहीं गौवंश की हड्डियां एकत्र कर रखी गई हैं, तो कहीं सैकड़ों की संख्या में चमड़ा रखा हुआ है। जगह जगह गौवंश के अवशेष बिखरे पड़े हैं। स्थिति इतनी भयावह कि रूह कांप उठे। पुलिस ने मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शेष 10 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिन घरों में गौवंश और उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो सारे अतिक्रमण कर शासकीय जगह में बनाए गए थे, जिन पर SDM द्वारा कार्रवाई की गई और 11 घरों को बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। सारे 11 आरोपियों के विरुद्ध गौवंश वध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस सारी घटनाक्रम में और भी लोगों की संलिप्तता नजर आ रही है। जांच के बाद स्थिति और साफ होगी। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। मंडला जिले के थाना नैनपुर के अंतर्गत भैंसवाही ग्राम है। यहाँ पर स्थानीय SDOP नैनपुर और थाना नैनपुर को प्रभारी नैनपुर को जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टीप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन सभी को जब्त किया गया है और 11 ही गृह स्वामियों के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए। यहाँ जब देखा गया तो घरों में और घर के पीछे जो खेत है और उसमें तबेले हैं, उसमें लगभग 150 के लगभग गोवंश यहाँ पर जब्त किया गया। उसमें से 85 जो गायें हैं उनको गौशाला स्थानांतरित कर दिया गया। रात्रि में जब गायों को दूर किया गया था तो कुछ गायें इधर उधर हो गई हैं, तो उसको भी इकट्ठा करके उनको भी गौशाला में भेजा जा रहा है और उन्हें वहाँ सुरक्षित रखा जा रहा है। इसमें 11 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि 11 यूनिक अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गोवंश का वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। इनके पुराने अपराध भी खंगाले जा रहे हैं और उसमें अभी तक 2 लोगों के विरुद्ध पूर्व के अपराध भी पाए गए हैं, जिसके ऊपर जिस तरह से अपराध हैं और जिसको जितनी सजा मिली है उसके अनुरूप उनके ऊपर अन्य कार्रवाई की जाएंगी। इसके अतिरिक्त इनके जो घर हैं वो भी राजस्व ने चेक किए हैं, तो पूरी तरह से अतिक्रमण में ये 11 घर बने हुए पाए गए हैं। इसके लिए अतिक्रमण के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। भैंसवाही में कल पुलिस बल के द्वारा कुछ यहाँ पे तफ्तीश की गई थी, जिसमें गौवंश गौ मास्क के कुछ घरों की तलाशी ली गई थी, पूरे टोले की ली गई थी, जिसमें 11 लोग घरों की तलाशी में इनके घर पे गौ मास के कुछ पाया गया था, जिसके तहत हमने अपने रेवेन्यू विभाग के द्वारा भी ये इंक्वायरी की, जिसमें हमारा ये निकल के आया है कि चूंकि इनके जो मकान है वो हमारी घासमत भूमि में बने हुए हैं, क्योंकि अतिक्रमण है, ये पहले भी प्रकरण चल रहा था कि उसी के ऑर्डर के तहत में आज हमने इस कार्रवाई की है।